आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अरे ये जोया बेटी सुबह से नजर नहीं आई, कहाँ रह गई? कहाँ होना है अबू, उसने दिन का एक बज रहा है और सो रही है महारानी अभी तक। अरे मुसरत, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, पर है तो हमारी बेटी महारानी अपनी मर्जी की मालिक। वैसे अबू, ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है, आपने उसे बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। अरे सब कुछ सीख जाएगी जब अपने घर जाएगी तो, और हर बच्चा अपने घर में शेर होता है। बेटियों को तो वैसे भी रुखसत हो जाना होता है ना, मत रोक टोक किया कर उसकी। शादी होगी तो ठीक होगी ना, कुछ सीखेगी। महारानी के नखरे देखे आपने? सात रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी है, पता नहीं कौन सा शहजादा चार्ल्स है जिसका इंतजार कर रही है वो। शहजादे चार्ल्स का क्या करना है मामा? गुड मॉर्निंग दादू। क्या करना है शहजादे चार्ल्स का? वो तो आपके जमाने का था। मुझे तो अपने जमाने का कोई ऋतिक रोशन जैसा हैंडसम, गुड लुकिंग और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ढेर सारे पैसे वाला लड़का चाहिए। मैडम थोड़े से अपने ख्वाहिशात को ना काबू कीजिए। और ये कौन सा ऋतिक रोशन है जो रिश्ता लेके आ रहा है आपके लिए? क्या पता आ भी जाए कहीं, भूला भटका यहाँ पर, यू नेवर नो। और आपको पता है मैंने कहीं पे सुना था कि प्यार इंसान को अपनी मंजिल तक ले ही आता है। देख रहे हैं अबू, इसकी जुबान देख रहे हैं आप, इसको जरा तमीज नहीं है कि इसने कौन सी बात कहाँ पे करनी है। होती है भाई, आपके सामने भी इसकी जुबान बंद नहीं हो रही। अरे मुसरत चलो छोड़ो ना, खामखा बच्चे को डांट रही हो। जा मेरा बेटा, ऐसा कर जल्दी से फ्रेश हो क्या, फिर नाश्ता करते हैं। जी जाइए अपना हुलिया दुरुस्त कीजिए। और हाँ, शाम को सलमा खाला एक बहुत अच्छा रिश्ता लेके आ रही है और मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? चल जा, जा जल्दी से आ जा, भाग 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 भाग। आ गया मेरा बेटा, क्या बना इंटरव्यू का? पापा शर्मा कह रहे हैं 2 हफ्ते तक कॉल करेंगे फाइनल। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता है मैंने मन्नत मानी थी कि दूसरे इंटरव्यू में जब तू पास हो जाएगा ना तो मैं मजार पे जाके मीठे चावलों की देख बांटूंगी। अम्मा यार आप क्या लगी रहती हो इन चीजों में? अरे बेटा माँ हूँ ना, फिक्र तो होगी। अच्छा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। और जब तुम्हारी नौकरी हो जाएगी ना तो फिर शादी करेंगे हम तुम्हारी। यार नौकरी अभी हुई नहीं और आपने प्लानिंग शुरू कर दी। कोई नहीं हो रही शादी, पहले मैं नौकरी करूंगा, सेटल होऊंगा, फिर सोचूंगा इस बारे में। अब मैंने बात नहीं करनी इस बारे में। माँ सदके जाए, नौकरी तो पता नहीं कब लगेगी। तू नवासे नवासी की ख्वाहिश तो पूरी कर दे हमारी, है इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा बेटा? कहा भी था 12वीं पास कर लिया, अब दुकान पे बैठ जा, कम से कम दुकान तो बच जाती। मगर नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। वो तो चला गया, माँ बेटे को तन्हा छोड़ गया इस दुनिया में। अरे पुरानी बातों को छोड़ो अम्मा, देखो तो मेरे बच्चे का कितना सा मुंह निकल आया। हाँ जब मुंह तो निकल आया, जाके हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा दूं। और तू सुबह से तुझे कह रही हूँ एक कप चाय का दे दे, उठ मेरे लिए चाय बना के ला। अच्छा अम्मा, पहले दी तो थी, फिर ले आती हूँ। खैर है, कैसा लग रहा हूँ? आई मां सदके,
मेरा बेटा बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जोया कहाँ है? किचन में है, बस अभी आती ही होगी, चाय लेने के लिए गई है। लो आ गई। आ जाओ बेटा, आ जाओ। माशाल्लाह बहुत हाथ बटाती है मेरा। जोया बेटा कहाँ रह गई थी? सब तुम्हारा ही राह देख रहे थे। वो सॉरी आंटी, समोसे जो है ना ठंडे हो गए आप लोगों के। क्या है ना, गैस नहीं आती इस टाइम पर। हाँ भाई, आजकल गैस के भी तो मसले हैं। मेहमानों को गैस का टाइम देख के आना चाहिए ना। बहुत मजाक करने की आदत है इसकी। बेटा आप क्या करते हो? माशाल्लाह से ही MS साइकोलॉजी कर रहा है। बड़ा ही फरमाबरदार बच्चा है। इतने फरमाबरदार हैं कि जवाब खुद से भी नहीं देते। क्या कहा बेटा? मैं ये कह रही हूँ कि माशाल्लाह से आपके बेटे इतने फरमाबरदार हैं कि जवाब भी खुद से नहीं देते। अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं इनसे एक सवाल पूछ लूं। हाँ हाँ, तुम दोनों आपस में बातें करो। वो पूछना ये था कि आपकी नजर कमजोर है जो ग्लासेस लगाए हुए हैं, ऐसी फैशन के लिए लगाए हुए हैं? नहीं तो मेरा मतलब है थोड़ी कमजोर, लेकिन इतनी नहीं। तू आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो कब से? हाँ ब्रेक लगा लो। ये जा रहा नहीं जा रहा? तोबा तोबा, जुबान तो देखो इसकी। मेरे मासूम बेटे के साथ कैसे बोल रही है? हैं, तमीज नहीं है? अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? नहीं नहीं, जोया का ये मतलब हरगिज नहीं था। सलमा बहन किधर ले आई है मुझे? हैं, सब समझ में आता है मुझे। जब से मैं आई हूँ ये लड़की बेइज्जत की है जा रही है। कोई ढंग का रिश्ता है ना तो दिखाना। चल बेटा उठ, मुझे और बातें नहीं सुननी। अरे अरे मेरी बहन, मेरी बात तो सुने। अरे रुके तो। अरे बहन चल बेटा। अरे मेरी बात तो सुने। पर अब तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी, ना ही तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। जो भी पहला रिश्ता आएगा वही तुम्हारी शादी कर दूंगी। हद हो गई है तमीज़ की। यार अब तो इतना अरसा हो गया, वहां से तो कोई उम्मीद नहीं इंटरव्यू की। हाँ लेकिन जो नई जगह है, इन्होंने कहा है कि सेकेंड इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह यार हो जाएगी उधर। वैसे तू अपनी CV मुझे भी फॉरवर्ड कर, मैंने एक जगह बात की है वहां भी फॉरवर्ड करवा देता हूँ। बाकी अल्लाह खैर करेगा। बस यार देर हो गई है। वैसे 2 साल हो गए हैं पढ़ाई खत्म किए, कोई फायदा नहीं हुई। नानू सही कहती है, अपने पैसे कमा लेता, अब कब तक नाना की पेंशन पे डिपेंडेंट रहूंगा बता दो। यार मुझे समझ नहीं आती, इतनी अच्छी तेरी पर्सनैलिटी है, यूनिवर्सिटी में भी तू सबसे ब्राइट स्टूडेंट था अपने बैच का, लेकिन अब क्या हो गया है? मुझे तो लगता है तुझे नजर लगी है। क्या? मेरे भाई मेरी मान तो अपनी नजर उतरवा और मजार पे जाके मन्नत मांग ले। मेरे भाई की नौकरी में भी बड़े मसले आ रहे थे, फिर मेरी अम्मी ने मजार पे जाके मन्नत मांगी और माशाल्लाह से मेरी भाई की पक्की नौकरी लग गई। अरे यार अहमद कैसी बातें करता है यार तू, मुझे किसकी नजर लगेगी दोस्त? यार मैं सही कह रहा हूँ, अपनी अम्मी से कह तेरी नजर उतारे और मजार पे जाके मन्नत मांग ले। ठीक, सही रह गया।
मेरी मान तो अपनी अम्मी से कहे तेरी नजर उतारे और मजार पे जाके मन्नत मांगे। कसम खुदा की धातु, शक्ल देखने वाली थी उन आंटी की भी और उनके लाडले बेटे की भी। मतलब बेचारा बोलने ही लगा था घोष के मैंने बम फोड़ दिया। आपने मिस कर दिया यार दादू को, पहले आना चाहिए। यार मैं नमाज पढ़ने चला गया, मुझे अगर पता होता ना तो थोड़ा तो तुम वेट कर लेती ना, तो बस क्या ही बात थे। मी की बेइज्जती करते ना मजा। अबू आप इसको मना करने के बजाय इसको और बढ़ावा दे रहे, इस तरह तो होगी इसकी शादी। सलमापा की कॉल आई थी और कह रही थी या तो अपनी बेटी की जुबान संभाल लो या फिर मुझसे रिश्तों का कहना बंद कर दो। आप दोनों से कुछ कहना ही फजूल है, जब देखो मजाक। वैसे बेटा तुम्हारी माँ कह ठीक रही है, आखिर कब तक? देखो ना शादी की एक उम्र होती है। तो मैं जान पूछ के थोड़ी ना करती हूँ, देखें अगर कोई ढंग का मेरी पसंद के मुताबिक रिश्ता आ जाए तो मैं भी बात कर लूंगा। अब सलमा खाला को देखे ना, हर दूसरे तीसरे दिन किसी मिस्टर बीन को उठाकर ले आती। अच्छा जी, और क्या है मैडम की पसंद? ऋतिक रोशन। करेक्ट। देखो मम्मा, अब तो दादी को ही मेरी पसंद याद होगी, आप भी याद कर लें और सलमा खाला को भी बता दें कि कोई ऋतिक रोशन जैसा लड़का ले आए, मैं हाँ कर दूंगी। बाबा जी ये रख लीजिए न्यास के पैसे। बेटा तू वही तो नहीं है जो बेटे की नौकरी के लिए दुआ कराने आती है? जी बाबा जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक इंटरव्यू रह गया है, दुआ करें कामयाब हो जाए तो फिर मैं पूरी देख चढ़ाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर नौकरी मिल जाएगी, यहाँ जो एक दफा आ जाता है ना अल्लाह के फजल से वो खाली नहीं जाता। बेटे की शादी हुई भी है? इसी बात का तो रोना है बाबा जी, नौकरी लगेगी तो शादी होगी ना। इसमें ऐसी क्या बात है? बाबा जी वो कहता है कि पहले नौकरी होगी, मैं सेटल होऊंगा फिर शादी करूंगा। ओ ना पुत्र ना, उसकी शादी फौरन ही कर दो, नौकरी तो लग ही जाएगी। हो सकता है वो जिस रिज के लिए मारा मारा फिर रहा है वो उस लड़की की किस्मत में हो। बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी घरवाली आके ना उनके नसीब खोलती है। रुखसाना वो देख सामने, वो अपने सलमा नहीं है वो जो रिश्ते कराती है? वही है ना? हाँ माँ लग तो हो ही रही है। चल आ चल इससे बात करते हैं। अरे नहीं अम्मा रहने दे, अपनी रिश्तों की पिटारी खोल के बैठ जाएगी। अरे तो क्या हुआ, मैं मना कर दूंगी ना, मुझे इस उम्र में शादी थोड़ी करनी है। हाय माँ क्या हो गया आपको? वो जिस रिज के लिए मारा मारा फिर रहा है वो उस लड़की की किस्मत में हो। बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी घरवाली आके ना उनके नसीब खोलती है। क्या बात है अम्मा, बड़ी गहरी सोच में हो? मैं बाबे वाली बात पे सोच रही हूँ। ठीक ही कह रहा था, रोहान की शादी करते हैं। रे अम्मा आप भी,
अगर रूहान ने सुन लिया ना फिर बोलेगा वो। और लगता है मेरा नाम लिया है किसी। नहीं तो बेटा हम तो बस वैसे ही बात कर रहे थे। सच पूछना तो नाम हम तेरा ही ले रहे थे। देखा रूहान बेटा तू शादी कर ले। नानू नहीं। रूहान बैठ तो सही मेरी बात तो सुन। देख बेटा मर्द का रिश्त ना औरत के नसीब में लिखा होता है। अपने नाना के बारे में जानते हैं ना? जब हमारी मंगनी हुई थी ना इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो साइकिल पे बन और डबरोटी बेचा करते थे। फिर हमारी शादी हो गई दरवाजे पे दरवाजा खुलता चला गया। हाँ बेटा अम्मा ठीक कह रही हैं। हो सकता है कि आने वाली के नसीब से तुम्हारे रिस्क के दरवाजे भी खुल जाएं। मेरी प्यारी ना पहले वक्त और थे और अब वक्त बदल चुका है। कोई भी अपनी बेटी बेरोजगार लड़के को नहीं देता। और हमारे जो हालात है हमें तो कोई अपने घर में भी ना घुसने दे। अच्छा तू इसकी फिक्र ना कर ये सब तू मुझ पे छोड़ दे। तू बता शादी के लिए राजी है या नहीं? ठीक है जैसे आप लोगों को ठीक। हाय मेरा बच्चा शुक्र है। अगर अम्मा हाँ हम लड़की कैसे ढूंढेंगे? अरे इसकी फिक्र मत करो ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम फटाफट मेरा फोन लाओ। देखो मैं अभी सलमा से बात करती हूँ। अच्छा अभी लाओ। चल मान तो गया ये ठीक हो। नहीं नहीं सलमा अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस मुझे बता देना कि किस वक्त वो लोग आ रहे हैं मैं अबू से भी बात कर लूंगी। ठीक है अल्लाह हाफिज। अब कौन सा कैरेक्टर आ रहा है हमारे घर कल? देखो जोया अब कुछ उल्टा सीधा मत करना। देखो बेटा कल किसने देखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने रुख्सत हो। मामा आप मेरी बात सुनो। अगर आपको मैं बोझ लगती हूँ तो मुझे साफ साफ बता दें। हाँ मैं किसी भी एरिया से शादी कर लूंगी और इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन हाँ उसके बाद आप लोग मुझसे कोई ताल्लुक मत रखिएगा। जोया, मामा क्या हुआ? दादू, दादू, मामा, दादू, क्या हुआ? देखिए मामा, अरे क्या हुआ? मुसाला, मामा क्या हो गया? देखिए, बेटा क्या हुआ? देखिए ना, मुसाला, दादू पता नहीं, अरे फोन करो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। अभी क्या हुआ? अरे बेटा सुन लो क्या हुआ? फोन फोन जल्दी से पहुंच करो बेटा। इस उम्र में इतने स्ट्रेस से इनकी जान भी जा सकती थी। आइंदा प्लीज ख्याल रखिएगा। जोया क्या कर रही हो बेटिया? दादू आपको पता है मैं हमेशा हर रिश्ते को इनकार क्यों कर देती हूँ? भाई तुम तो चली जाओगी और हमारा क्या होगा है ना? आपको कैसे पता? भाई वालिदैन को सब पता होता है और मैं तो वैसे भी तुम्हारे बाप का भी बाप। हाँ आप ही बताए ना दादू मैं क्या करूं। हाँ ये जरा सोचने वाली बात है।
भाई शादी के बाद ऐसा करेंगे ना, कभी तुम हमारी तरफ आ जाए करना और कभी हम तुम्हारी तरफ चले जाए करेंगे। लेकिन दादू। लेकिन लेकिन कुछ नहीं बेटा, ये मुसरत की हालत देखी है ना तुमने, और वैसे भी बेटियों को तो रुखसत हो जाना होता है। उलझा हुआ दिल रिश्तों में ऐसे उलझे हो जैसे रेशम के धागे, गिर हाँ कोई टूटे तो फिर ना लागे। माशाल्लाह, मेरा भाई तो आज ही दूल्हा बन के जा रहा है। ओ भाई, पहले रिश्ता तो पक्का होने दे। अरे मेरा रूहान है ही इतना प्यारा, दूल्हा ही लगता है। एक बात बता, तुझे किसने बताया रिश्ते का? मैंने फोन किया था कि गाड़ी लेके आना। अरे नानू, क्या जरूरत है यार, जैसे है वैसे चले जाते, टैक्सी मंगवाते और ये सब। लो, इसे क्या पता इन बातों का, तुझे नहीं पता, बस बैठ। ठीक है सर, आ जा। आए नानू, बैठे आप। ओके, अल्लाह हाफिज। दादू कब आएंगे सलमा खाला उन्हें लेकर? कब से दीवारों को बिठाया हुआ है। सलमा तो नहीं आ रही, लेकिन वो लोग आते ही होंगे। हैं? वो क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ये भी मैं बताऊं अब? देख क्या था, नाराज होते हो। बकवास ना कर, जल्दी बता क्या कौन यार। वो मैंने पूछना था कि
कैसी है हमारी होने वाली भाभी? बस एक ही झलक देखी थी आते हुए। अच्छा फोन रख, बातें मत करते। अच्छा जोया बेटी को तो बुलवाएं जिसको हम देखने आए। जी किचन में है, चाय बना रही है, मैं बुलाती हूँ अभी। जोया बेटा, भाई कहाँ रह गए हो आप? ला रही हूँ मम्मा, क्या कुछ? सॉरी वो मैं मोबाइल। और देख के नहीं चल सकते? I'm really sorry. क्या हुआ? बेटा आप जाओ, हम चाय लेके आते हैं। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं, कुछ लीजिए ना। अरे हम कोई खाने पीने थोड़ी आए यहाँ, आपने खामखा तो तकल्लुफ किया। बेटा आगे का क्या प्लान है? मेरा मतलब है कि जॉब वगैरह। वो बस ये नौकरी लग गई है, अगले महीने जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा 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 जी जी, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि इसकी जल्दी से शादी हो जाए ताकि हमारे घर में भी रौनक आ जाए। भाई मुझे तो जोया बेटी बहुत पसंद आई है, क्यों अम्मा? हाँ भाई, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है बच्ची। जी जी बिल्कुल, हमारी बेटी है ही बहुत प्यारी। सोया बेटा, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप मामा दादू जैसे आप दोनों को ठीक लगे। लेकिन इतनी जल्दी? मुझे अंदाजा था कि आपको ये जल्दी लगेगा, मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें। देखें जोया को खाली हाथ रुखसत नहीं कर सकते, हमारी अकलौती बेटी है। भाई किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में, घर है, गाड़ी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अब आप हमें ये प्यारी सी बेटी दे दें ताकि हमारा घर मुकम्मल हो जाए, क्यों रुखसाना? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सुकून दिल का रिश्ते करार हैं, इनमें ही सारे मौसम पतझड़ बहार हैं। खुशियों में नए आंसू मिलके इनको सहना है, है ये समय का दरिया इसको यूं ही बहना है। ये रिश्ते ये नाते हैं रेशम के धागे, इन्हीं से उलझ के ही नए ख्वाब जागे। ये सांसों की डोरी इन्हीं से जुड़ी है, नहीं कोई आता नजर इनके आगे। है उलझा हुआ दिल रिश्तों में ऐसे, उलझे हो जैसे रेशम के धागे। अच्छा बताओ ना इनमें से कौन सा कलर पहनूं? देखो ये वाला,
और हमारे पास है ये वाइट, एक सेकंड, ये और एक है रेड, रेड बियर, ये देखो कौन सा पेन? कोई सा भी कलर पेन, तुम पर सब जचते। ही, कितनी चीजी लाइन मारी है। इसमें चीजी क्या है? तुम सच में इतनी खूबसूरत हो? अगर तुम्हें यही बातें करनी ना रोहान, तो मैं फोन रख रही। अच्छा भाई, वाइट पेन अच्छा लगेगा तुम पर। वैसे मैं सोच रही थी कि ये वाला है ना, ये पिंक, ये पहन ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर मुझसे क्यों पूछा था? मैं तो ऐसी तुम्हारी फैशन सेंस देखना चाह रही थी। अच्छा बताओ, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा? क्यों, तुम फिर मेरी पसंद का कलर पहनो? जी नहीं, अभी इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हुए। वैसे भी जोया किसी के लिए खुद को नहीं बदलती। बता भी तो, मुझसे सवाल किए जा रहे हो, नखरे ना करो, बताओ कौन सा पहन? व्हाइट कलर। रुहान, व्हाइट भी कोई कलर होता है पहनने वाला? ना फीका खांड सा कलर है, कलर तो ब्राइट होने चाहिए ना, जैसे पिंक हो गया या रेड हो गया या ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इस तरह से। कभी कभी सिंपल चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। तुम होना सिंपल काफी। जोया बेटा, मामा बुला रही, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी बातें तो कभी खत्म नहीं। अच्छा अरे आ गया तू, थक गया होगा ना, खाना लगवाती हूँ, तू ऐसे कर मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जा, मैं रुखसाना से कह के खाना लगवाती हूँ। ठीक है, जल्दी कर। ये सब क्या? ओहो तुझे नहीं पता, तेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं भाई, देख मुंह हाथ धो ले। रुखसाना, चलो बेटा तुम भी कर लो। तेरे रिश्ते सुकून दिल का, रिश्ते करार हैं, इनमें ही सारे मौसम पतझड़ बहार हैं, खुशियों में दुआ करें सब। ये रिश्ते ये नाते हैं रेशम के धागे, इन्हीं से। व्हाइट भी कोई कलर होता है? व्हाइट फीका खांड सा। ये सांसों की डोरी। किसी ने मुझसे कहा था कि कभी कभी सिंपल चीजें भी ट्राई करनी चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा कहा था। उलझा हुआ दिल तुमने खरीदे? ये नानू के। इसका मतलब एंटीक है। जो बचपन से मैं ये कंगन अपनी नानू के हाथों में देख रहा, लेकिन आज उन्होंने ये कंगन तुम्हारे लिए दिए। तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छे। इतने बुद्धू लगते तो नहीं हो। तुम्हारे
हाथों में और भी कीमती हो। शुरू में मैं जल्दी शादी करने के हक में नहीं था कि फैसला नानू और अम्मी का था, मैंने बस हाँ कर दी। हाँ, लेकिन आज तुम्हें अपने साथ देखकर मुझे अपना ये फैसला अच्छा लग रहा है। मुझे भी।